नगर पालिका की तरफ से मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई है। इनमें दो गौरी कुंड बनाए गए हैं, इनमें मूर्ति विसर्जन किया जाएगा और नगर पालिका की तरफ से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विजयदशमी समिति की ओर से रावण का पुतला बनाया गया है जो कि करीब 50 फुट का है और आज शाम को 7 बजे मेला ग्राउंड में विजय उत्सव समिति की ओर से रावण दहन का उत्सव मनाया जाएगा। गौरीकुंड का निर्माण किया गया है नगर पालिका की ओर से, जिससे नदियों का पानी दूषित ना हो और इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी मूर्तियां नदी में विसर्जित ना हो। उस गाइडलाइन के अंदर मूर्तियों में ऐसे केमिकल लगाए जाते हैं, इससे मछली और जल के जो जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, उनको रोकने के लिए गौरीकुंड के नाम दे करके नदी के सोर्स से दूर हो गए मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम द्वारा। शिवपुरी में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण और कोरोना वायरस की गाइडलाइंस के परिपालन में किया जा रहा है।